नमस्कार आप सभी दोस्तों को पुनः एक बार मेरा YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप देख सकते हैं अभी मैं एक स्विंग मशीन के ऊपर बैठा हुआ हूं और सिलाई की काम कर रहा हूं। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मेरे हाथों में जंग लग गया है या मशीन में जंग लग गया है। मेरा जो हुनर है वो अभी तक मुझ में जिंदा है कि नहीं है, ठीक है। इस कला को मैं देख रहा हूं कि बाकी जो मैंने सीखा था कहीं वो भुला तो नहीं गया। थोड़ा कैमरा सामने दिखाओ अर्जुन, दर्शकों को दिखाओ मैं जो स्टिच कर रहा हूँ, नीचे दिखाओ इस पोर्शन में कि स्टिच कैसी हो रही है। कहीं ये स्टिच धोखे से तो नहीं कि खाली मैं व्हील मूव कर रहा हूँ और लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से इसको सिलाई करते हुए अब जहाँ इन पॉइंट हो रहा है थोड़ा टाँका को इसको ज़्यादा घुमाना पड़ता है बार बार, ताकि ये जहाँ से स्टिच हो रहा है ये कहीं खुल ना जाए। ठीक है, अब इसमें से जो भी धागे निकली हुई है उस धागे को काट के डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, अब वन साइडेड का ये बाहें जो है हो चुकी है। अब अनदर साइड की ओर चलते हैं, दूसरी तरफ इसको ब्लाउज को टर्न करते हैं। इसमें से धागा निकल चुकी है, अब हड़बड़ी में इस धागे को फिर पिरो के लगाना है। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक दे दो। चलिए इसे अब निकाल लेता हूँ। ब्लाउज की दोनों साइड जो है ना सिलाई हो चुकी है, अब इसको जो है ना धागे को काट लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि ये देखने में से सुंदर भी लगे। अब फिर इधर से बैक साइड से चेक कर सकते हैं कि जो टाँका पड़ा है वो नज़दीक नज़दीक है कि काफ़ी दूर लग गया। आप देख सकते हैं टाँका जो है ना काफ़ी नज़दीक नज़दीक से इसे सिलाई करेगी। ये पहले फेज का सिलाई है अभी मैं किया, जो वो इनर साइड में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मशीन चलाना भी एक कला है। अगर आप सही मायने में अगर मशीन चलाने जानते हैं तभी आप आगे की ओर जो है ना कपड़ा आपका मूव होगा, नहीं तो ये व्हील जो है ना आपको रिवर्स घूम जाएगी, जिससे क्या होगा आपके धागे में जो सुई लगी हुई है वो धागा कट जाएगा और फिर परेशान होते रहेंगे, क्योंकि व्हील को आपको इस ऐसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। कैसे घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। मैं अपने साइड में बैठा हूँ तो ये व्हील इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब आप देख सकते हैं ये शटल प्लट है, यहाँ से जो है ना आप बॉबिन को निकाल सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से बॉबिन को निकाल रहा हूँ, ये बॉबिन मेरा हाथ में आ चुका है। ठीक है, इस बॉबिन को धागा फंसाने के पहले इसको फिर जहाँ अंदाज़ा हो जाता है तो फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बिना देखे ही मैं बॉबिन लगा दिया। ठीक है, अब नीचे जो बॉबिन में जो धागा लगी हुई है मैं उसको ऊपर देखिए किस तरह से लेकर आता हूँ। ये देखिए ऐसे आ चुका है, नीचे का धागा ये ऊपर हो चुका है। ठीक है, और ये एडजस्टर है, इस टाँका को जो है ना आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये पूरा नीचे कर देंगे तो ये रिवर्स जाएगा, पूरा ऊपर में जो है ना ये फ्रंट की साइड की ओर बढ़ने लगेगा। और इसको एडजस्टर को हम जैसे जैसे कम बेसी करेंगे तो ये जो है ना इसमें जो टाँका में अंतर आने लगेगा। ठीक है, और कभी कभी इस मशीन्स में जो है ना मशीन वेल डालनी पड़ती है जिससे स्मूथ वे में मशीन चल सके, इसके लिए जगह बनी हुई है वेल ड्रॉप करने की यहाँ। ठीक है, हाँ, तो काफ़ी अच्छी मशीन है
और ये उत्तम मशीन है। मशीन चाहे कैसी भी हो, अगर आप में कला है, आप जानते हैं, तभी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, अन्यथा जो होने से आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस आप ऑपरेट कर भी लेते हैं तो सिलाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलाई करेंगे तो वो सिलाई आपका नाचने लगेगा, एक सीधे स्ट्रेट लाइन में सिलाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ।